हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि U11 कैमरा कैसे चलता है। ये देखिए, ये U11 कैमरा है, इसे USB कैमरा भी बोलते हैं और इससे हम अपने फ़ोन पे लाइव वीडियो देख सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट करके। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड का स्लोट दिया हुआ है। इसमें हम मेमोरी कार्ड लगा के बाद में रिकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं। 128 GB का मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे USB है और ये देखिए लेंस है, कैमरे का लेंस। ये इसके साथ आपको मैनुअल मिलेगा, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे बारकोड है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। ये V380 Pro एप्लीकेशन पे चलेगा। मैं आपको अभी चला के दिखा दे रही हूँ कि कैसे चलेगा। ये हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो मेरे फ़ोन में अभी पहले से इंस्टॉल है, मैं इसे अनइंस्टॉल कर दे रही हूँ। ये ऐप अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। अभी हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे हमें लिखना है V380 Pro। ये हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखिए, ये अभी ऐप इंस्टॉल हो गई है। अभी हम ऐप को ओपन कर ले रहे हैं, ये अलाउ कर देंगे। अभी हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, USB को हमें चार्जर में लगाना है, इसे पावर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ये कनेक्ट कर दिया है USB से। सिंपल जस्ट चार्जर में लगा देना है, उसके बाद हम इसे वाईफाई से कनेक्ट करना है। ये अभी हम फ़ोन के वाईफाई में जाएंगे, वाईफाई पे क्लिक करना है। ये रिफ्रेश किया, ये देखिए लिंक आया है, लिंक से कनेक्ट हो गया है। MV करके लिंक आएगा, उससे हमें इसे कनेक्ट करना है। फिर हम ऐप के अंदर जाएंगे, V380 Pro जो हमने डाउनलोड की थी, ये अभी मेरे फ़ोन में पहले से कनेक्ट है। मैं आपको इसे एक बार हटा के दोबारा से दिखा दे रही हूँ। ये अभी हमें ट्राई विदाउट एन अकाउंट पे जाना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कैमरा आ जाएगा, ऑनलाइन लिखा आया है, देखिए लैन ऑनलाइन। क्लिक करेंगे और कैमरा अभी चालू है। ये देखिए, आप इसकी क्लियरिटी देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसे वाईफाई से कनेक्ट करना बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नेटवर्क में जाएंगे, वाईफाई स्टेशन मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा वाईफाई आएगा, जितने भी वाईफाई हैं, जो हम जिस वाईफाई से हमें से कनेक्ट करना है उसका पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे कोई राउटर है नहीं, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सिलेक्ट वाईफाई में जाना है, उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद हम इसे सेव कर देना है। ये देखिए वाईफाई आ गए हैं, कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे सेव कर देना है, ये वाईफाई से चल जाएगा।